राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं पिकॉक फैदर का यूज़ करके और कुछ स्टोन का यूज़ करके आपके लिए इस तरह की पगड़ी की जो है कलगी और अटैचमेंट जो है लेकर आई हूँ, जो आप घर बैठे जो है बहुत ही कम दाम में तैयार कर सकते हैं। मार्केट में मिलने वाली इतनी जो है हैवी पैटर्न की पगड़ी, ये जो हमारी अटैचमेंट मिलती हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं, कई बार हम नहीं ले पाते हैं, मन होता है तब भी नहीं ले पाते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं और उनके लिए सुंदर सुंदर चीज़ें अपने हाथों से तैयार करना चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारी प्यारी देखिए अटैचमेंट बनकर आई है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। आज की वीडियो में मैं 10 अटैचमेंट आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने पिकॉक फैदर का और कुछ स्टोन का देखिए यूज़ करके इतनी खूबसूरत अटैचमेंट बनाई है। बहुत ही प्यारी अटैचमेंट बनती है और सिर्फ हमने कुछ स्टोन यूज़ करे हैं, पिकॉक फैदर यूज़ करे हैं। और इन सभी अटैचमेंट को अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप करके जो भी अटैचमेंट आपको चाहिए आप व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं और इस तरह की सुंदर सुंदर जो है अटैचमेंट कान्हा जी के लिए अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है लड्डू गोपाल की, कान्हा जी की मैंने आज पगड़ी की अटैचमेंट दिखाई है, बनाकर दिखाई है, तरीका बताया, ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल भी रहेगी और पसंद भी आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो करना, कमेंट करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी लोग अपने कान्हा जी के लिए देखिए इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत अटैचमेंट अपने हाथों से घर पर ही बनाकर कंप्लीट कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, इस तरह की इंटरेस्टिंग जो है वीडियो चैनल पर अपलोड होती रहती हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको उसी समय पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि हमने कान्हा जी के इन खूबसूरत अटैचमेंट को कैसे बनाकर कंप्लीट किया है। ये हमारी सबसे पहली अटैचमेंट है, चाहे तो इसको सिंपल पिन लगाकर भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बाकी मैंने इसको डिफरेंट पैटर्न में कैसे बनाया वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर मैंने लिया है ये मोर पंख इस तरह से, और इस मोर पंख को हम यहाँ पर इस तरह से ये देखिए पेस्ट कर देंगे और बहुत ही आसानी से ये पेस्ट हो जाता है। तो इसको मैं अभी गत्ते पर ही रख रही हूँ इस तरह से, और यहाँ पर सेंटर में मैं लगाऊंगी एक एक स्टोन, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जो है इसमें पेस्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप अटैचमेंट लगा पाएँ पगड़ी के अंदर। उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ बता रही हूँ, ये ऑल पिन आपके पास सभी के पास मिल जाएगी घर में, नहीं तो आप स्टेशनरी से ले सकते हैं। तो ये देखिए पीछे की तरफ से हम इसको यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए कुछ ही जो है मिनटों में हमारी ये सुंदर सी अटैचमेंट तैयार हो गई। अब ये स्टोन थोड़ा सा 5-1 मिनट लेगा सूखने में। तो ये देखिए कान्हा जी की पगड़ी के लिए कितनी खूबसूरत जो है हमारी ये अटैचमेंट बनकर कंप्लीट है। और एक अटैचमेंट मैं आपको इस वाले स्टोन से तैयार करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो वैसे इसको देखिए सिंपल भी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप पीछे की तरफ इस तरह से पिन लगाएं, बस इस तरह से, ये देखिए, और ये पगड़ी के लिए अटैचमेंट तैयार है। थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ग्लू लगाएंगे और एक छोटे साइज का देखिए पिकॉक फैदर मैं यहाँ पर भी इस तरह से फिक्स कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर इसको सेट करना है। और एक छोटा सा स्टोन यहाँ पर मैं इस तरह से इसके अंदर भी लगाऊंगी। स्टोन से क्या होता है थोड़ी सी अलग सी चमक आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी जो है कुछ ही मिनटों में ये वाली अटैचमेंट तैयार हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अटैचमेंट की तरफ। तो देखिए इस तरह की अटैचमेंट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, और ना मिले तो जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ स्क्रीन पे दिए नंबर से, दिए गए नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ हमें इस तरह से ग्लू पेस्ट करना है, ग्लू लगाना है यहाँ पर, और पिकॉक फैदर को मैं यहाँ पर इस तरह से जो है पेस्ट कर दूँगी और पीछे की तरफ से यहाँ से हम पिन डालेंगे, देखिए इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। और ये देखिए इन स्टोन के अंदर फैदर मैंने इसीलिए लगाया है ज़्यादातर में, क्योंकि फैदर हमारे कान्हा जी को जो है पसंद भी है। तो इस तरह से जो है आप सुंदर सुंदर अटैचमेंट उनके लिए बना सकते हैं मोर पंख वाली, और मोर पंख लगने से ये जो है कलगी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लगती है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। मैं आपको एक बार तीनों रख के दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से,
कितना सुंदर इनका लुक है और पगड़ी में लगने के बाद कितनी प्यारी और खूबसूरत लगने वाली है ये। इसी तरह से नेक्स्ट अटैचमेंट मैं बनाऊंगी इस वाले स्टोन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपल से दिखने वाले स्टोन को देखिए आप कितनी सुंदर जो है पगड़ी के अटैचमेंट में जो है बदल सकते हैं, कलगी बना सकते हैं कान्हा जी की। तो यहाँ पर भी जो है मैं यहाँ पर सिंपल ग्लू लगाएंगे और मैंने आपको मैक्सिमम जो कलगी दिखाई है आज पिकॉक फैदर के अंदर ही दिखाई है, क्योंकि जो है उनको जैसा मैंने कहा पसंद भी है और साथ ही साथ जब पगड़ी में लगती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है पगड़ी में लगने के बाद। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पिन लेंगे और इसको भी पीछे की तरफ से हम नीचे की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। तो इन स्टोन से केवल आप ड्रेस ही नहीं बना सकते बल्कि सुंदर सुंदर जो है कान्हा जी की पगड़ी के अटैचमेंट भी कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत सी अटैचमेंट हमारी कुछ ही मिनटों में देखिए तैयार होती जा रही है एक एक करके। ये कंप्लीट होने के बाद अब जो फिफ्थ अटैचमेंट मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी जो स्टोन के अंदर हमारा ये जो हमारे पास स्टोन के अंदर ये अटैचमेंट है इसके अंदर भी हम इस तरह से पीछे की तरफ फैदर लगाएंगे। और इसी स्टोन से मैंने आपको ड्रेस भी बनानी सिखाई है, बहुत सुंदर ड्रेस बनकर आई है, आप चैनल पर विजिट जरूर करें। मैंने जो है वाइन कलर के अंदर इसी स्टोन वाले जो है अटैचमेंट को यूज करके जो है ड्रेस बनाई है कान्हा जी की लड्डू गोपाल की, बहुत सुंदर ड्रेस बनकर आई है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये देखिए ये हमारी स्टोन के अंदर मिरर के अंदर कितनी खूबसूरत सी जो है पिकॉक फैदर के अंदर ये अटैचमेंट बनकर कंप्लीट हो गई है। ये जो फैदर यहाँ पर निकल रहा है एक्स्ट्रा, इसको हम थोड़ा कट कर देंगे जिससे फिनिशिंग के साथ ये आए। और इसके बाद इन दोनों अटैचमेंट के अंदर भी मैं सेंटर में स्टोन लगाऊंगी। आपकी चॉइस है, अगर आपको अच्छा लगता है मेरी तरह तो आप स्टोन जरूर लगाएं और अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना स्टोन के भी ये अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी एक स्टोन वाली अटैचमेंट के साथ भी कितनी खूबसूरत सी हमारी ये कलगी बनकर तैयार है। उसके बाद जो नेक्स्ट अटैचमेंट हम बनाएंगे तो जब आप पिकॉक फैदर मंगाएंगे इस तरह से मार्केट से आप लेंगे, अगर आपको ना मिले तो ये भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से मंगा सकते हैं। इस तरह का पूरा 100 फैदर का जो है बन जाता है। तो इसी के अंदर देखिए इस तरह से ये आपको मिल जाएंगे, ये देखिए इस तरह से लंबे लंबे यहाँ पर इस साइड में मिलेंगे, कुछ आपको इस तरफ की दूसरी साइड में झुकाव वाले मिलेंगे। तो इसी अटैचमेंट का जो है मैं अब यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको स्टोन दिखा देती हूँ जो मैं इसको बनाने के लिए तैयार करूँगी अटैचमेंट को। बहुत ही सुंदर स्टोन है ये देखिए, ये वाला बहुत ही प्यारा लुक है और इससे बहुत सुंदर अटैचमेंट देखिए आपके सामने तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर सिंपल हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। अभी कटिंग मैं बाद में करके दिखाऊंगी आपको, पहले मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से आपको पेस्ट करना है, ये इस साइड झुकाव में आएगा और एक फैदर मैं लगाऊंगी इसके ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। देखिए ग्लू हमने सारे में लगाया हुआ है तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगी। तो ये दो फैदर हमारे इसके अंदर मैंने लगाए हैं इस तरह से, एक जिसके अंदर जो कि साइड में झुकाव में जाएगा। अभी थोड़ा सा ये ग्लू जो है गीला है तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक दो मिनट में ये सूख जाता है वैसे। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा फैदर है मैं इसको यहाँ पर कट करूँगी और उसके बाद यहीं सेंटर के अंदर जो है एक एक स्टोन हम यहाँ पर भी इसके अंदर भी लगाएंगे। जैसे मैंने कहा अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद सेम वही प्रोसेस रहेगा, पीछे की तरफ ये अटैचमेंट पगड़ी में इजीली लग सके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से पिन डालेंगे। हर अटैचमेंट के अंदर ये पिन डालनी है ताकि ये पगड़ी के अंदर इजीली हमारी जो है लग सके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी एक और पिकॉक फैदर के अंदर खूबसूरत सी अटैचमेंट बनकर कंप्लीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट अटैचमेंट हम बनाएंगे वो मैं बनाऊंगी इस वाले स्टोन को यूज़ करके। तो यहाँ पर अब हम जो है तीन फैदर का यूज़ करेंगे, ये मेरी 7th अटैचमेंट है आप लोगों के साथ पिकॉक फैदर में इसमें। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ग्लू लगाएंगे इस तरह से, टॉप पर ही हमें ये ग्लू लगाना है और यहाँ पर इस तरह से देखिए एक बिल्कुल सामने की तरफ रखेंगे फैदर को इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको जो है इसको नीचे की तरफ सेट करके दिखाती हूँ क्योंकि ग्लू की वजह से क्या है ये हाथों में चिपक रहा है बार बार। तो यहाँ पर तीन फैदर आप इस तरह से अरेंज कर दें
ये देखिए इस तरह से आपको तीन फैदर को आपस में अरेंज करना है, ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद इस स्टोन को आपको तीनों के ऊपर इस तरह से लगा देना है। ये देखिए एक बार ये सूख जाएगा तो ये अच्छे से इसमें पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए सूखने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और सेम वही करेंगे पीछे की तरफ से जो है, इस तरह से इन सभी अटैचमेंट के अंदर आपको इस पिन को यहाँ पर डालना है ताकि ये पगड़ी में जो है सेट हो सके। तो थोड़ा सा केयरफुली ही डालना, हाथों में लगे ना। देखिए इस तरह से निकाल लेना है और ये हमारी अटैचमेंट तैयार है। और इसके अंदर भी जो है सेंटर में मैं एक एक स्टोन यहाँ पर पेस्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी शाइन आ जाती है जैसा मैंने कहा, अच्छा लगता है अटैचमेंट और भी ज़्यादा देखने में। तो ये मेरी चॉइस है तो मैं लगा रही हूँ, और आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, किसी भी अटैचमेंट में किसी में लगाएं किसी में ना लगाएं। और देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है हमारी अटैचमेंट तैयार होती जा रही हैं स्टोन को यूज़ करके। तो आप इस तरह से देखिए, बाज़ार में अगर आप जाएंगे ना मार्केट में, तो यही अटैचमेंट आपको बहुत महंगी मिलती हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी लड्डू गोपाल की कान्हा जी की सेवा करते हैं, मतलब ये लगा लो छोटी से छोटी अटैचमेंट 100 रुपीज़ की मिलती हैं पिकॉक फैदर के अंदर। और ये जितनी भी मैंने आपको बनाकर दिखाई है तो बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं, आप सभी जानते हैं। और आप घर बैठे देखिए इन स्टोन की हेल्प से कितनी सारी अटैचमेंट घर पर खुद से अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। तो एक अटैचमेंट हमारी ये भी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट अटैचमेंट जो हम बनाएंगे वो हम इस पिकॉक फैदर के अंदर जो ये अटैचमेंट है, मैंने आपके साथ ड्रेसेस भी शेयर करी हैं इसके अंदर, विंटर में भी बहुत ही खूबसूरत अटैचमेंट है, स्टोन वर्क के अंदर है। अब इसके अंदर देखिए हम इसको एक रियल इफेक्ट भी देंगे, और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत सी कान्हा जी की पगड़ी के लिए अटैचमेंट बनकर तैयार होगी। करना क्या है, वही सिंपल ग्लू लगाना है पीछे की तरफ आपको इस तरह से। तो ये ग्लू लगाने के बाद हाथों में थोड़ा सा ग्लू लग जाता है तो ये क्या है, फैदर वगैरह आपस में चिपकने लगते हैं, तो बड़ा केयरफुली आपको इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लगाना है, ऊपर की तरफ से स्टार्ट लेंगे हम। मैंने इसमें 4 फैदर लगाए हैं, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एक फैदर हमने ऊपर की तरफ लगाया, यानी थोड़े थोड़े गैप पर आपको इसको लगाना है। ये देखिए इस तरह से एक फैदर ये लगा दिया, सेकंड फैदर थोड़ा सा और नीचे की तरफ लगाएंगे हम, और हाथ से पीछे की तरफ आराम से इसको पेस्ट करना, क्योंकि हाथों में ग्लू लग जाता है ना तो फिर ये बार बार हाथों में भी चिपकता रहता है, तो बार बार फैदर हटते रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसको पेस्ट करना है कि इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए इस तरह से आएगा, इसको 2 मिनट सूखने देते हैं। यहाँ पर देखिए सूखने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, और क्योंकि इसमें भी स्टोन वर्क हुआ हुआ है तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्का सा इसी का टच भी दूंगी जैसा मैंने सभी में दिया है। एक एक स्टोन हम यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट करेंगे, और ये एक्चुअली अटैचमेंट पहले बन रही है, ड्रेस बाद में आपके साथ शेयर होगी। मैं इसी पिकॉक की जो अटैचमेंट आपको दिखाई है इसकी मैचिंग की ही जो है ड्रेस भी बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ कुछ ही दिनों में। बहुत सुंदर ड्रेस बनी है, जब आप देखेंगे ना बहुत प्यारी ड्रेस बनकर आई है। तो उसी की मैचिंग की अटैचमेंट भी मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी है, अटैचमेंट पहले हो रही है जैसा मैंने कहा। और देखिए इस तरह से कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा, और इसको भी हम पीछे की तरफ, देखिए ये जो जगह है पीछे की तरफ से, यहाँ से हम अपनी इस ऑल पिन को डालकर इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए पीछे से मैंने इस तरह से पिन डाल दी है इसके अंदर, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बैक से भी जैसे मोर ने अपने पंख फैलाए हुए हैं। और ये देखिए ये है इसका फ्रंट लुक। तो आप इसको पगड़ी में देखिए जब इस तरह से लगाएंगे कान्हा जी की, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि अभी इतनी खूबसूरत लग रही है तो ये बाद में कितनी खूबसूरत लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, और ये जो है आपकी मैचिंग की तैयार हो जाएगी एक्चुअली, ड्रेस भी और ड्रेस की मैचिंग की अटैचमेंट भी, जिसके साथ लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो ये थी मेरी आपके साथ 8th अटैचमेंट जो मैंने पिकॉक फैदर में तैयार की है। उसके बाद नेक्स्ट अटैचमेंट जो 9th नंबर की पिकॉक फैदर के अंदर मैंने अटैचमेंट बनाई है, वो बनाई है इस स्टोन को यूज़ करके। तो इसके अंदर भी देखिए पीछे की तरफ आपको ग्लू लगाना है इस तरह से, पूरे लंबाई में लगाना है, क्योंकि आपने देखा ये अटैचमेंट में कि इसमें थोड़ी सी मैंने लंबे वाली अटैचमेंट लगाई है जैसे दूसरे वाले में लगाई थी। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा पिकॉक फैदर का जो बंच आएगा उसमें इस तरह की देखिए आपको ये जो है मिल जाएंगी ईजिली। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक फैदर मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर इस तरह से, देखिए जो इस तरफ की झुकाव,
यहाँ पर देखिए इस तरह से लगाएंगे जो इस तरह से झुकाव में आएगा, और एक फैदर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर ग्लू लगा लेते हैं अच्छे से जिससे कि ये पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको लगाना है, ये सेंटर में आना चाहिए बिल्कुल इसकी सिदाई में, और एक अटैचमेंट हम लगाएंगे यहाँ इसके जस्ट नीचे इस तरह से, और एक अटैचमेंट आप चाहें तो इस तरह से इस साइड भी लगा सकते हैं। देखिए दो हैं, अगर आपको लगता है दो ही अच्छी लग रही है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग तो आप दो रख सकते हैं, मैंने इसमें तीन लगाई हैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए। ये देखिए क्योंकि स्टोन भी हमारा काफ़ी बड़ा है ये, तो मैंने इसीलिए इसमें तीन फैदर लगाए हैं। लगाने के बाद ये जो नीचे एक्स्ट्रा डंडी है इसको यहाँ पर हम कट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है, तो देखिए कितनी खूबसूरत सी, देखिए पिकॉक की जो अटैचमेंट थी उसके अंदर रियल पिकॉक के जो है फैदर हमने लगाए हैं, जिसकी वजह से लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है अटैचमेंट का। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर भी एक एक स्टोन हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। और देखिए स्टोन लगाने के बाद वही काम करना है पीछे की तरफ से, इस पिन को हम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से डालेंगे, देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से लग जाती है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी पिकॉक फैदर की एक और अटैचमेंट तैयार हो चुकी है। और अब लास्ट अटैचमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आज की लास्ट है, बहुत खूबसूरत अटैचमेंट है वो भी। तो आज की वीडियो में मैंने 10 अटैचमेंट आपके साथ पिकॉक फैदर की जो है शेयर करी है, जो आप घर बैठे जो है मार्केट से सस्ते दामों पर घर बैठे तैयार कर सकते हैं। तो इन 9th नंबर की अटैचमेंट तैयार हो गई है, अब हम बनाएंगे 10th नंबर की अटैचमेंट। तो अब जो लास्ट अटैचमेंट मैं आपके साथ पिकॉक फैदर की ये जो है दिखाकर शेयर करूंगी वो है इस स्टोन को यूज़ करके मैं बनाऊंगी। तो इस तरह का देखिए फ्लावर पैटर्न में बहुत ही खूबसूरत सा येलो कलर का जो है ये अटैचमेंट है, जिसमें बीच में गोल्डन कलर का फ्लावर लगा हुआ है, साइड में स्टोन चेन लगी हुई है। तो मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, जैसा मैंने कहा ग्लू हाथों पर लग जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ पेस्ट करना है, वो आप समझ जाएंगे मैंने आपको करके दिखाया है। तो इसको फ्लावर देखिए कैसे इस तरह से सेंटर में आपको ये रखना है, पूरे पीछे पे आपको ग्लू लगा देना है पूरे चक्र पे इस पे, ठीक है। और इस तरह से जो है पिकॉक फैदर को हम इसके अंदर इस तरह से अरेंज करेंगे पूरी गोलाई में, यहाँ पर देखिए इस तरह से सारे फैदर को आपको इसके अंदर मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड में मैंने बनाया है, लास्ट अटैचमेंट है लेकिन बहुत खूबसूरत और धमाका धमाका वाली अटैचमेंट है, लास्ट है बट बहुत खूबसूरत है। ये देखिए इस तरह से सारे फैदर को आपको इस चक्र के अंदर, यानी ये चक्र सेंटर में आएगा और सारी तरफ इसके चारों तरफ इस तरह से जो है ये फैदर आएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से रखते हुए सबसे पहले आप इस अटैचमेंट को तैयार करें, और एक आसान तरीका बता देती हूँ इस अटैचमेंट को बनाने के लिए, सिंपल आप सर्कल में इस तरह से पहले यहाँ पर सारे फैदर अरेंज कर ले, देखिए मैंने ग्लू लगा लिया है, और ऊपर की तरफ से बस इसको इनके ऊपर रख देंगे, इजीली पेस्ट हो जाएगी। थोड़ा गत्ता आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा तो ये नीचे वाला बेस है, मैं इसी काम के लिए यूज़ करती हूँ, तो आपको दिख रहा होगा जगह जगह जो है ग्लू गिरा हुआ है, तो मेरी टेंशन नहीं है। बाकी अगर आप यूज़ कर रहे हैं बना रहे हैं तो नीचे का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा इसी तरीके का रखें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिर्फ इसको सूखने देना है, और जैसे ये सूखेगा ये फ्लावर पैटर्न के अंदर हमारी खूबसूरत सी अटैचमेंट तैयार हो जाएगी। और आपने देखा होगा मार्केट में ये 1000 तक की मिलती हैं ये वाले अटैचमेंट, बड़े बड़े साइज़ की, क्योंकि ये तो मैंने छोटा साइज़ का फैदर यूज़ किया है, फिर भी ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी अटैचमेंट। अगर आप बड़ा वाला फैदर यूज़ करेंगे तो जो पीछे कान्हा जी के सर मतलब पीछे हैवी पैटर्न की जो कलगी तैयार होती है ना वो तैयार हो जाएगी, जो 1500-2000 तक में भी देते हैं स्टोन वर्क वगैरह करने के बाद। तो जब तक ये सूख रहा है इसके अंदर भी हम जो है सर्कल के ऊपर इस तरह से जो है ग्लू लगाएंगे और स्टोन लगा लेते हैं, ठीक है। स्टोन लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे से मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है, और यहाँ पर भी इसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो मैं लगाऊंगी इस तरह से पिन, तो यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर एक पिन डाल देंगे, चाहे तो आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर ग्लू लगा दिया है मैंने देखे पूरे में, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया, और एक सर्कल कट कर लिया है जिससे ये फैदर भी सिक्योर हो जाएं बाद में हटे ना, तो इस तरह से आपको इसको सिक्योर कर लेना है। देखिए सीधा करने पे ये कुछ इस तरह से नजर आएगी, और ये जो पिन है वो यहाँ पर है आपको नजर आ रही, तो ईजिली आप इस तरह से पगड़ी में जो है इसको देखे अटैच कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो यहाँ पर देखिए 10 की 10 अटैचमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। और सबसे बेस्ट जो मेरी है इनमें वो है ये राउंड शेप की, और एक ये पिकॉक फैदर के साथ जो हमने पिकॉक ये स्टोन वाला यूज़ किया है, ये वाली अटैचमेंट। बाकी सभी अटैचमेंट आपने देखा कितनी खूबसूरत जो है बनकर आई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो पगड़ी के अटैचमेंट आज मैंने आपको बनाकर दिखाई है, ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगी, ताकि आप कान्हा जी के लिए घर बैठे अपने हाथों से जो है इतनी सुंदर सेवा कर सके, और कान्हा जी के लिए घर बैठे ही कम दाम में जो है इतनी खूबसूरत अटैचमेंट अपने हाथों से तैयार कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी लोग जो है अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की देखिए खूबसूरत खूबसूरत जो है अटैचमेंट अपने हाथों से तैयार कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल सके। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।